से दिल तक धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक। से दिल तक धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक। दिल से जाए दिल तक, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक। दिल से से दिल तक धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक। Sometimes things cannot be seen or touched, but they can be felt with the heart. Good afternoon, Goenka. मैं सान्या और मैं आर्यन स्वागत करते हैं आज आप सभी का हमारे शो में दिल से दिल तक। क्या आप लोग भी घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में टाइम पास करने का जरिया ढूंढ रहे हैं, हर चीज को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, उसमें आर्ट और सुंदरता देख रहे हैं? अरे मोहतरमा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट इज दिस आर्ट? यानी कला। आर्ट सिर्फ दिखाने और बनाने का साधन नहीं, बल्कि ये तो मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। आर्ट नहीं तो कुछ भी नहीं, यही तो जीवन का आधार है। आर्ट के थ्रू ही हम अलग अलग एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एंगर, हेटेड एंड लव। आर्ट ही तो है जो हमें जीना सिखाता है। बेटा बेटा, मुझे आपका आर्यन बेटा और सान्या बेटा, आप दोनों का बेटा मुझे ना सवाल ना उत्तर बेटा, मुझे दोनों पसंद नहीं आए। मैं सोच रहा हूँ इसका आंसर ना एक लिफाफे में डाल के आप दोनों के मुंह पे मार दूँ। ए भाई साहब, एंट्री तो आपने बड़ी अच्छी मारी, लेकिन आपकी तारीफ अब बेटा जितनी करो उतनी कम है। और बेटा तारीफ की बात तो बेटा तुम करो मत, यहाँ पे मुझे सारे जानते हैं। और बेटा जो लोग नहीं जानते तो जी नमस्कार, मैं यहाँ पर ना जी एक किरदार निभाने आया हूँ राजेश अरोड़ा का,
और मैं जो भी बोलूंगा जी वो सब काल्पनिक है, तो प्लीज अपनी भावनाओं को जी ठेस मत पहुंचाना, ठीक है जी? तो चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई साहब, अगर आप इतने ही मान है ना, तो मैं आपसे एक तो सवाल पूछता हूँ। अंधे बेटा, बेटा तुम मेरे सवाल नहीं पूछ सकते बेटा। एक बार ना जब मैं स्कूल जाया करता था, तब मेरे मास्टर जी ने मेरे से सवाल पूछा कि बेटा राजेश बताओ दिल्ली की राजधानी कहाँ है। बेटा अगले दिन बच्चे पूछ रहे थे मास्टर जी कहाँ राजेश अरोड़ा जी, आप बहुत डिस्टर्बिंग है क्या? आप जानते नहीं हैं, आप लाइव हैं, लाइव। है। अन्य बेटा नहीं, गलत बोल रहे हो, लाइव नहीं होता, लाइफ होता है, लाइफ LIFE। और बेटा मैं बता रहा हूँ लाइफ तो बेटा इतनी ज्यादा बोरिंग हो गई है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने तुम्हारी आंटी से बात करने की ट्राई करी, बेटा तुम्हारी आंटी ने मुझे डांट दिया, बेटा मेरा टाइम पास हो गया। हाँ टाइम पास हो गया, फिर अब बेटा फिर मैंने तुम्हारी आंटी को बेटा रिमोट से म्यूट कर दिया है। म्यूट कर दिया। अरे राजेश जी, स्टॉप वेस्टिंग आवर टाइम एंड यू जस्ट टेल मी व्हाट इज आर्ट फॉर यू। बेटा आतू राजेश जी, आप आर्ट को आतू कैसे कह सकते हैं? नहीं बेटा नहीं, नहीं मैं आर्ट को आतू नहीं बोल रहा बेटा, मैं तुम दोनों बच्चों की एंकरों को आतू बोल रहा हूँ, मतलब इतना ज्यादा तुम लोगों ने दिल लगाए खराब करी है, वो देखो वो बेचारे छोटे छोटे केजी टू के बच्चे वो बासी ले रहे हैं बेटा, मुझे भी आ गई। राजेश जी, यू आर वेरी रूड। आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म अबाउट योर रूड बिहेवियर टू माई इंचार्ज सारे के वाम। जानते हो, उनका फेवरेट स्टूडेंट हूं मैं। हाँ बेटा फेवरेट तो तुम अपनी मम्मी के नहीं होगे, मैम तो तब भी बहुत दूर की बात है। और बेटा जहां तक बेटा रूडनेस की है बेटा, इस बात पे ना तुम अपना वीडियो ऑफ कर दो बेटा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या पसंद नहीं आई शक्ल? अन्य बेटा तुम दोनों की एंकरिंग आ तू। जी मेरा नमस्कार सभी बच्चों और उनके पापाओं को, और जी ये लो मेरा फोन नंबर सभी लेडीज को, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अरे राजेश जी, मतलब की बात करो, मतलब की। अन्य बेटा मैं मतलब की बात नहीं करने वाला, पूछो क्यों? क्यों राजेश जी? अब बेटा क्योंकि मैं मतलब ही नहीं हूं। और बेटा जहां तक बात है बेटा आर्ट की, तो बेटा मेरे पास एक छोटा सा शेर का बच्चा है बेटा, सुनोगे? अरे नहीं राजेश जी, हमें आपको कोई शेर नहीं सुनना। बेटा सुन लो, इतनी गंदी शक्ल से बोल रहे हो तो सुनाई देता हूँ चलो। अरे नहीं राजेश जी, हमें नहीं सुनना ना। बेटा चुप कर, मैंने तेरे लिप्स पे थप्पड़ मार देने हैं, चुप कर सुन। आजकल नहीं मिल रहा सामान ऑन फ्लिपकार्ट, आजकल नहीं मिल रहा सामान ऑन फ्लिपकार्ट, राजेश को कुछ नहीं पता अबाउट आर्ट। बेटा ये शेर का बच्चा मैंने खुद खरीद के बड़ा किया है। ओए ओ बेटे 2 मिनट रुको, वो तुम्हारी ना आंटी का बेटा म्यूट हट गया, मैं उसको म्यूट करके आता हूँ, वो मुझे बेटा गाली दे देती है, तुम बच्चों के सामने बेइज्जती हो जाएगी बेटा, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, प्लीज मिस करना मुझे। He is so irritating. अब आप लोगों को ऐसे irritating लोग कहाँ ही मिलेंगे हमारे शो पे, दिल से दिल तक। सच में यार सान्या, राजेश जी को तो आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमारी गोइंकन फैमिली को तो पता है। टिंग टिंग टिंग। हेलो, माय नेम इज आर्यमन एंड टुडे आवर फैक्ट इज एंडी ब्राउन एन इंग्लिश आर्टिस्ट स्टिच टुगेदर 1000 यूज टी बैग टू क्रिएट अ पोर्ट्रेट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। इज इट इट फन टू लिसन? टिंग 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 टिंग। क्या बात है बच्चों, वी ऑल्सो सर्वेड दैट वॉट एस्थेटिक मीन्स टू द पीपल ऑफ आवर गोइंकन फैमिली, सो लेट्स हैव अ लुक। Aesthetic to me is observing and recognizing the beauty of nature. Aesthetic for me is making paintings. मेरे लिए aesthetic सुंदर सुंदर लिखना है. Aesthetic for me is to keep my cupboard clean. Aesthetic for me is being organized. Aesthetic is focusing on me. Aesthetic for me is
Aesthetic for me is being creative. I am Tara and I find aesthetics in creative. There goes in Star Wars and movies and Xbox, studies and annoying my sister. These are some of my favorite things. Aesthetic to me is doing my favorite thing. देखा अरुण, ये देखकर लगता है कि वास्तव में सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। अरे दोस्तों, ये दिल ही तो है जो आर्ट को पहचानता है, ये दिल ही तो है जो आर्ट को पहचानता है, वरना कौन इसे मानता है, वरना कौन इसे मानता है। हाँ यार सान्या, in our society there are many people like Rajesh ji who don't know anything about art. शायद मैं भी उनमें से एक हूँ। टेंशन मत ले आर्यन, तेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हमारी आर्ट और कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता। Hi, I'm Ananya Varma, and the amazing fact for today is research proves that dancing reduces stress and tension for mind and body. So keep dancing. अरे सान्या, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे काफी पॉपअप होते जा रहे हैं। सान्या, हेलो। आई थिंक सो मेरी आरजे कहीं और ही चली गई है। सान्या, गुड आफ्टरनून आर्यन मान। आर्यन, तो शायद तुम भी उन लोगों में से एक हो मेरी तरह जिनको आर्ट और कल्चर के बारे में शायद इतना नहीं पता। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम विशेष रहेजा एंड टुडे वी हैव टू मास्टर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टेड फील्ड्स जॉइनिंग अस लाइव। सो प्लीज वेलकम मिस्टर ब्रजेश निगम एंड मिस्टर ब्रजेश गांगुल सॉरी मिस्टर ब्रजेश गांगुलिया एंड मिस्टर विनीत निगम। हेलो विशेष। हेलो सर। तो सर, आज आपको कैसा लग रहा है कि आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ही जिसने आपसे इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया है, वो आपसे आज कुछ थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछने आया है? विशेष, एक टीचर के लिए आई थिंक इससे बड़ी गर्व की बात कभी होती ही नहीं जब किसी
एक मिट्टी का घड़ा बनाने वाले के लिए जब वो घड़ा कंप्लीट होता है और उसके अंदर जब लोग उसमें पानी भर के पीते हैं तो शायद उसके लिए सबसे खुशी का मौका होता हो, और यही फीलिंग शायद एक टीचर की भी रहती है जब उनके सिखाए हुए स्टूडेंट्स आगे तरक्की करते हैं और अपने आप को जीवन में एक मुकाम देते हैं, तो सबसे खुशी का पता होता है। थैंक यू सो मच सर। तो सर आज का हम ये सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, और आज तो दर्शकों आज की सारी बातें होंगी दिल से दिल तक, तो हमसे कृपया करके जुड़े रहिए। तो सर आप इतने सालों से अपनी कलाओं के क्षेत्र से निरंतर जुड़े हुए हैं, तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार कला क्या है। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सभी को। तो जैसे कि कला, कला यानी कि आर्ट, आर्ट क्या है? वैसे तो आर्ट की डेफिनेशन हम सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये जो वर्ड है सुनने में तो बहुत ही छोटा सा लगता है, लेकिन असल में ये उतना ही बड़ा टॉपिक है। मैंने आप लोगों की कई सारी वीडियोस देखी है जो आपने आर्ट एंड एस्थेटिक टॉपिक पर हम लोगों से शेयर की थी, तो आपने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्यारे ढंग से आपने अपने नजरियों को उसको आर्ट को डिफाइन किया है, एस्थेटिक को। तो अगर मैं अपनी नज़र से आर्ट को डिफाइन करूं तो आर्ट वही है जो आपकी सोच को, आपकी इमेजिनेशन को, आप जिस नज़रिए से इस दुनिया को देखते हैं, जो आपको फील होता है, अगर वही सेम फीलिंग आप अपने दिल से दूसरे के दिल में पहुंचा देते हैं तो वही आर्ट है। यानी कि दिल से दिल तक जोड़ने वाली तार को ही आर्ट कहते हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में ब्रजेश सर ने इस बात को कहा, क्योंकि विशेष ये बात बिल्कुल सही है कि आर्टिस्ट जो है वो हमेशा दिल से सोचता है, ये अक्सर सुना होगा हम सभी ने, और दिल से सोचने वाले लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ दूसरे के दिल तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कला एक ऐसा विषय है, आर्ट या कला एक ऐसा विषय है जो कि आप जीवन के हर एक पहलू में देखते हैं, चाहे वो आप खाना बनाना हो, घर में आपकी माँ खाना बनाए, या बाहर कहीं रोड पर जो है कोई एक सब्जी वाला अगर सब्जी बेच रहा है, उसमें भी उसकी कला है, वो किस टोन में आवाज लगाता है, किस इशारे से जो है लोगों को लुभाता है अपने सब्जियां बेचने के लिए, और या आप घर में ही आप अपने ही किसी सामान की सफाई कर रहे हैं, वो भी कला है। कला हर एक पहलू में छुपी हुई है, और वो कला, ये जरूरी नहीं है कि हम सभी लोग जो है ना हर एक चीज में माहिर हैं, लेकिन हम सबके अंदर एक छोटी छोटी कला वो ईश्वर बनाकर भेजता है। क्योंकि आप देखिए बाहर अगर सृष्टि को देखें, इतनी सुंदर सृष्टि रचने वाला भी तो एक कलाकार ही होगा, और वो ऊपर वाला सबसे बड़ा कलाकार है, और उसकी कला हम सबके सामने चला जाता उदाहरण है। इसीलिए ये कला एक ऐसा टॉपिक है जिससे मनुष्य और कला इन दोनों को भिन्न करना थोड़ा मुश्किल है। सर बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने बताया कि कला क्या है। अगर मैं पूछूं आप दोनों से कि आप दोनों अपनी कला को, जैसे कि ब्रजेश सर आप अपने फाइन आर्ट्स को अगर एक शब्द में बताना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? देखो फाइन आर्ट तो देखो मेरे लिए एक तरह से सब कुछ है, मेरी लाइफ ही एक फाइन आर्ट है ना, तो इसमें हर तरह के रंग है जो हमारी लाइफ में, तो जैसे कि एक पेंटिंग में एक जो रंग की अहमियत होती है जो उसको खूबसूरत बनाती है, तो उसी तरह से एक फाइन आर्ट जो है वो मेरी लाइफ को खूबसूरत बनाती है। और विनीत सर आपके नजरिए से? मेरे नजरिए से अगर मैं देखूं तो आर्ट इज अ वे ऑफ लिविंग, क्योंकि कला जो है वो एक डिवोशन है, और हम लोग अक्सर आज की डेट में शौक के लिए सीख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस शौक का आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये असलियत में वही हमें मनुष्य होने की अनुभूति करता है, यानी वी आर वी रियल ह्यूमन बीइंग, वो अनुभूति जो है वो कला ही हमें करवाती है। सो मेरे विचार में कला जो है वो एक ऐसी डिवोशन है जो कि ईश्वर से मिलने का साधन है। बहुत ही सुंदर सर। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा, बल्कि हम सबका होगा, कि आज तक हमारे भारत देश पे बहुत सारी कंट्रीज ने अटैक किए और हमारे जो कल्चर है, हमारे बहुत चीज मॉन्यूमेंट्स को, इन चीज़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज तक इतने सालों बाद भी हमारा जो कल्चर है वो बहुत वास्ट है, तो इसका कारण मैं आज जानना चाहूंगा आपसे सर। तो अच्छा
सर प्लीज बताएं। तो जैसे कि भारत यानी कि हम सबका भारत, यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं, यही इसकी सुंदरता है, इसी ने हमारे भारत को यूनिक बनाया है। इस पर कई बार हमले हुए, भारत को अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की, लेकिन हम भारतवासियों ने, ऐसा नहीं है कि उनको अपनाया नहीं है, हमने उनको अपनाया है, हमने अपने आप को और मजबूत बनाया है, अपना रहन सहन का ढंग थोड़ा सा बदला है, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली है, वो है हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, यही हमारी ताकत है और यही हमारी सुंदरता भी है जो हमारे कला के क्षेत्र को और लोकप्रिय बनाती है। जी विनीत सर, आप बताइए। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत होऊंगा, क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें, देखो इंडिया इज द लैंड ऑफ सीकर्स, इट्स नॉट द लैंड ऑफ बिलीवर्स, क्योंकि हमारे देश में हम शुरू से ही खोज ही रहे हैं। अगर आप हमारे शास्त्र देखें या कोई भी चीज आप अगर उठाएं, उसमें हर जगह पे जो भी कहानी शुरू होती है वो क्वेश्चन से शुरू होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल पूछता। और यही शायद हमारे देश की एक बहुत बड़ी ताकत रही है कि हम यूं ही किसी चीज पे बिलीव नहीं करते हैं, वी हैव क्वेश्चंस फॉर एवरीथिंग, और वो क्वेश्चन पूछने की जो क्षमता है, क्योंकि भारत खुद जो है वो एक कंट्री की जो डेफिनेशन है उसको तोड़ता है, क्योंकि कोई भी कंट्री होती है वो या तो सेम बिलीफ के लोग एक साथ हो तो कंट्री कहलाई जाती है, या फिर जो है ना सभी सेम कलर के लोग हों, कास्ट के लोग हों, धर्म को मानने वाले हो, तो उन लोगों को कंट्री माना जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसको भारत नाम दिया, भाव राग और ताल तीनों का संगम मिलाकर के बना भारत। तो वो जो भारत है, वो भारत एक ऐसा देश है जहां पर उनकी जो कला है, भाव राग ताल, जो कि कला के प्राण कहे जाते हैं, उन प्राणों को मिला करके उसका नाम रखा गया। सोचो अगर हर एक व्यक्ति के अंदर भाव ना होता तो क्या वो मनुष्य कहलाता? हर एक व्यक्ति के अंदर राग ना होता, हम सबका अपना राग है, और एक ताल यानी आपके हृदय में जो एक निरंतर एक ताल चलती रहती है, इन तीनों को मिला करके इस देश का नाम रखा गया, इतना सुंदर नाम भारत। और उस भारत की संस्कृति पहुंचती है, अगर माय प्रोफेशन इफ आई टॉक अबाउट डांसिंग, सो डांसिंग के अंदर नाट्य शास्त्र की जो उत्पत्ति करी गई, जो कि सभी कलाकारों के लिए एक बाइबल है, कुरान है, गीता है, उन सभी आर्टिस्ट के लिए, उस नाट्य शास्त्र की जो लिखा गया वो लिखा गया 2500 साल पहले, 5th century BC से पहले वो लिखा गया, उस समय भी कला का स्थापत्य था, यानी हम लोग जो है वो ग्रेट 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 ग्रैंड मदर्स कहला सकते हैं फॉर द फील्ड ऑफ आर्ट्स, इंडिया इज सच अ कंट्री, तो इसलिए उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो शायद हम सबके खून में बसती है। अभी आप देखें अगर फोक डांसेस, हमारे देश के हर एक स्टेट के अंदर कम से कम 8-10 फोक डांसेस है, जबकि आप बाकी अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो कंट्रीज में एक फोक डांस होता है बाकी कंट्रीज में, हमारे यहाँ हर एक स्टेट के 8-10 अलग अलग विभिन्न फोक डांस फॉर्म्स हैं। दिस प्रूव्स दैट की कल्चर या कला, वो क्योंकि कल्चर जो है वो आर्ट से एस्टैब्लिश होता है, और कहीं ना कहीं आर्ट्स हम सबके खून में है, हम सबके ब्लड में दौड़ता है, तो उस चीज को जो है ना मेरे ख्याल में डेफिनेटली वही रीजन है शायद इंडिया का इतनी आगे होना आज के दिन। बहुत ही सुंदर शब्दों में सर आपने आंसर दिया इस बात का, और इन आपके बातों से जरूर हमारी जिस जनरेशन में जिनमें आर्ट की अभी थोड़ी कहीं ना कहीं नॉलेज थोड़ी सी कम है, उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए दिल से दिल तक, और हम रुकेंगे एक छोटे से एड ब्रेक के लिए जिसमें आयान और दिवांश आके आर्ट फैक्ट्स बताएंगे। Fact for today is the first artist used ashes, red clay, ashes from fire, or natural pigments from plants to paint. Isn't it interesting to know? Ting ting ting. Ding ding ding, some pop singers play their own dance.
to fit in their songs. For example, Michael Jackson did the moonwalk. Oh, ding, ding, ding. थैंक यू सो मच आयानंद दिव्यांश, आप दोनों ने जो फैक्ट्स बताए वो जरूर हमारे कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है हमारी जनरेशन के बिहाफ पे कि आजकल इंक्लूडिंग मी हम सब बच्चे हैं जो वो कोई भी चीज करने से पहले उसके एक बार फायदे देखते हैं। तो सर अकॉर्डिंग टू यू इन योर पर्सपेक्टिव आर्ट के हमारी जिंदगी में क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए आर्ट फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ आज के टाइम में वैसे तो कई जॉब्स हैं। मैं यहाँ सिर्फ पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आर्ट का मतलब सिर्फ पेंटिंग ही नहीं होता। आर्ट के अंदर आपके म्यूजिक, डांस, थिएटर, पोइट्री जैसे कई सारी आर्ट फील्ड इसके साथ जुड़ी होती है। तो अगर जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें आपके लिए कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में हम सब लोगों की लाइफ इतनी व्यस्त हो गई है कि मैं सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ जॉब करते हैं। मैं एक छोटे से बच्चे से लेकर उस हरेश ग्रुप की बात कर रहा हूँ जहाँ हम सब इस दौर में इतना व्यस्त हो गए हैं जहाँ खुद को टाइम नहीं दे पा रहे। तो यहाँ हम सबको कुछ इस तरह की आर्ट करते रहना चाहिए जो आपको सुकून दे, जो आपको स्ट्रेस भरी लाइफ से आपको रिलैक्स दे, जो आपको आपके मन की शांति दे, है ना? बिल्कुल विजय सर, मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार जीने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है, सो समवेयर यू नीड दैट, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। सो आई थिंक अगर किसी इंसान के अंदर कला नहीं है, क्योंकि एक श्लोक कहा भी गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना मनुष्य कुछ विषाणहीना, इस तरीके से करके जो श्लोक है उस श्लोक में बाकायदा यही है कि साहित्य कला इन सबका होना एक व्यक्ति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशु उस व्यक्ति को नहीं गिना जाता है जो हम आमतौर पर देखते हैं। पशु जैसा कि अक्सर तुमने भी इस चीज को मुझसे जिक्र किया है पहले कि गीता के अंदर भी लिखा है कि पशु उसे बोला जाता है जो व्यक्ति इस पृथ्वी पे आने के बाद अपना कुछ मार्ग ना छोड़ के जाए। तो बहुत सुंदर बात तुमने कही, हम लोगों की बातें अक्सर होती रहती हैं, तो बहुत सुंदर बात तुमने बोली थी। तो उस कला को यानी उस कल्चर को पता करना बहुत जरूरी है। इस पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें मुझे। जी सर। आई थिंक कि अगर मान लीजिए कोई मुझसे पूछे कि आपकी माँ का नाम क्या है, और वो बताने के लिए मैं सोचने लग जाऊं मेरी माँ का नाम आई स्टार्ट थिंकिंग डजंट दैट लुक लिटिल ऑकवर्ड इजंट इट। आई थिंक यही चीज सोचो अगर कल को आप लोगों का एक ग्रुप है और आप लोगों के ग्रुप के साथ कुछ फॉरेन के बच्चे आते हैं वेस्टर्न एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर में, एंड दे विल कम एंड हैवी विद यू, दे विल गेट फ्रेंडली विद यू, एंड देन दे जस्ट आस्क यू कि बहुत सुना है आपके भारत के इतिहास के बारे में, भारत की कला के बारे में, हमें जरा बताइए अच्छा भारत में इंडियन क्लासिकल डांसेस कितने हैं, बिकॉज और देशों में जो है ना शायद ही कोई उनके क्लासिकल डांसेस या नेशनल डांसेस होते हो, तो आपके यहाँ कितने क्लासिकल डांस है? और हम अपनी ही संस्कृति के बारे में अगर सोचना शुरू कर दें कि शायद तो सोचो वो कैसा उन लोगों के लिए वो फीलिंग कैसी हो। बस यही मेरा कहना है कि आप कला के अंदर कला में डूब करके उसको जरूरी नहीं कि आप अपनी जीविका बना लें उसको, या जीविका बनाने से ही आपको कला आ पाएगी। कला को जानना और समझना हर एक इंसान को अपने अपने लेवल के लिए अपने अपने सुविधा अनुसार चुनना चाहिए, कला का जो भी रूप हो चुनना चाहे, लेकिन जानना जरूर चाहिए कला के लिए, क्योंकि वो आपको जीने का एक माध्यम देता है। विशेष जी सर, मैं बिल्कुल आपके बात से सर एग्री करता हूँ कि कला हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान देती है हमें एज ए पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, और बहुत चीज़ों में काम आती है कला। तो सर आशा है कि आज के दर्शकों को आपके ज्ञान से कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा,
आज के एपिसोड में दिल से दिल तक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच विशेष, सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच हमसे और हमारे दिलों से जुड़ने के लिए। नाउ आई एक्चुअली नो दैट व्हाट आर्ट मींस। तो दोस्तों, काश जिंदगी सचमुच एक इंद्रधनुष के रंगों जैसी होती। काश जिंदगी सचमुच एक इंद्रधनुष के रंगों जैसी होती, स्वयं ब्रश से रंग सकती। क्या पाया क्या खोया मैंने, क्या पाया क्या खोया मैंने, स्वयं को रंगों में डुबो मैं जान पाती, स्वयं को रंगों में डुबो मैं जान पाती। बेटा स्वयं को रंगों में डबोगा तो पता नहीं, लेकिन बेटा ब्रजेश सर और विनीत सर के इंटरव्यू के बाद बेटा तुम दोनों बच्चों के तो मुंह पे इंद्रधनुष आ गए हैं। मतलब देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। अरे राजेश जी, बीच में क्यों आ जाते हो? अपना कपिल शर्मा शो छोड़ के हमारे शो में क्यों घुसे आ रहे हो? अच्छा बेटा जा रहा हूँ ना, अपनी किडनियों का ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, बाय बाय। कितना इरिटेट करते हैं। तो चलो दोस्तों, अपना मूड ठीक करने के लिए देखते हैं गोइंकिंस की ये पेंटिंग की वीडियो। खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिलके छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तो, मौसम का है मेहमान तू। वो दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। ओ क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी, ताजी हंसने को राजी, गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चख ले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। Oh,
खुल गया, आसमां का रास्ता देखो खुल गया, मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहां। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। इतनी सुंदर पेंटिंग थी, है ना आर्यन? हाँ कान्या, क्या तुम जानती हो हंसना और हंसाना भी एक आर्ट होती है और यंग रहना भी एक आर्ट होती है। बेटा बेटा सुनो बेटा, इसका मतलब मैं तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मतलब तुम देख रहे हो मैं कितना ज्यादा वेल मेंटेन्ड हूँ, कितना यंग दिखता हूँ। अब बेटा मेरी मुझे देखो कितनी सोनी सोनी लग रही है। अबे बेटा तुमको क्या लगता है मेरी उम्र कितनी है? बेटा यही कुछ 10 से 11 साल। तो राजेश अरोड़ा जी, आप जैसे नौजवानों के लिए हम पेश करने जा रहे हैं एक हास्य कविता। अरे बेटा क्या बात कर रहे हो, फटाफट सुना दो। उम्र 40 पार है लेकिन शक्ल हमारी 30 के जैसी, मुझको अंकल कहने वालो धत तुम्हारी ऐसी तैसी। बेटे के कॉलेज गया तो टीचर देख मुझे मुस्कुराई, बोली क्या मेंटेन हो मिस्टर, पापा हो पर लगते हो भाई। क्या बतलाऊं, उसने फिर बातें की मुझसे कैसी कैसी, मुझको अंकल कहने वालो धत तुम्हारी ऐसी तैसी। पड़ोसन बोली सेकंड हैंड लेकिन फ्रेश के भाव बिकोगे, बस थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा लो अनिल कपूर जैसे दिखोगे। मुझको अंकल कहने वालों धत तुम्हारी ऐसी तैसी, बीवी सोच रही है शौहर मेरा कितना अच्छा है जी, पढ़ती नहीं गुलजार साहब को, दिल तो आखिर बच्चा है जी। नियत मेरी साफ है यारो, नहीं हरकते ऐसी वैसी, मुझको अंकल कहने वालो धत तुम्हारी ऐसी तैसी। कितने जंग लड़े और जीते इन्हीं गुजरे सालों में, दो एक झुर्रियां गालों में है और सफेदी बालों में है, इरादे मगर मजबूत हैं अब भी, उमंग भी सॉलिड पहले जैसी, मुझको अंकल कहने वालो धत तुम्हारी ऐसी तैसी। जीने का जज्बा कायम हो तो उम्र की गिनती फिर फिजूल है, अपने शौक को जिंदा रखो यही जीने का उसूल है। परिस्थितियां का नाम है जीवन, जिंदा दिली का नाम है जीवन, परिस्थितियां हो चाहे जैसी, मुझको अंकल कहने वालों धत तुम्हारी ऐसी तैसी। थैंक यू। अरे मतलब अनन्या भाई साहब, आर्यन भाई साहब, कितनी ज्यादा तारीफ कर दी आप दोनों ने तो मेरी। मैं बता रहा हूँ आज तक तो इतनी तारीफ जी मेरी वाइफ ने तो मेरी नहीं करी है इतनी, मतलब जी मजा आ गया है। लो जी फ्लाइंग आतू है। हाँ हाँ राजेश जी, पहली बार आपने अपनी शक्ल से अच्छी बात कही है। अब दोस्तों कविता सुनाना एक अलग बात है और कैरेक्टर में आकर कोई कविता सुनाना तो एक कलाकार की ही पहचान होती है, जिसे हमारे गोइंगिंग्स ने कर दिखाया है। You are
I'm never too old to be young. ये तो तुमने पते की बात कही आर्यन. Art speaks by words or unable to explain. Music and literature, isn't that interesting? Thank you. Ding ding ding. Truly, it was very interesting. तो दोस्तों, कम बोलते हुए मैं बुलाना चाहूंगी अपने साथियों को जो अलग अलग एक्सप्रेशन के थ्रू डांस, आर्ट और म्यूजिक को पोर्ट्रे करेंगे. तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे शो पे दिल से दिल तक. Thunder,
ओए खत्म हो गया। ओ मैं बता रहा हूँ, मतलब अवनी सोना कार्तिक भरत बेटा आप लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है थंडर पे। बेटा आपके थंडर से तो बेटा मेरी मुझे थर 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 हिलने लग गई है। और बेटा थंडर से याद आया, आज ना हमारे गोयनका फैमिली के छोटे छोटे थंडर्स का बर्थडे है बेटा, मैं ना एक बार उनको विश कर देता हूँ ठीक है। और बेटा जब मैं विश करूँ ना सारे बच्चे प्लीज शालिनी मैम के अंदाज में साइलेंट क्लैप कर देना ठीक है। हाँ तो बेटा अरान अहूजा सेकेंड ए बेटा आपको ना सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। और बेटा आप ना बेटा मजे मारो, क्योंकि बेटा और करोगे क्या, बर्थडे एंजॉय करो। कहा नोटियाल थर्ड एच बेटा मैं बता रहा हूँ, आप ना हर चीज करो और बस नॉटी मत होना। वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद इतना नॉटी हूँ बेटा, जो करना है करो, आपकी लाइफ पे हैप्पी बर्थडे। आदित्य दास सेवेंथ ई बेटा मैं बता रहा हूँ, जितने पैसे ना सारे उड़ा दो पार्टी पे, और थोड़े बहुत ना मेरे घर भी भेज देना। आदित्य डेप नाइन्थ ए और टिया यादव नाइन्थ ए बेटा मैं बता रहा हूँ, आप दोनों नाइन्थ में आ गए हो, तो टीचर्स और पेरेंट्स को 2 मिनट के लिए साइड में रखो के आज ना बेटा जितनी पार्टी है करनी है कर लो ठीक है। और बेटा पार्टी में मैं भी आऊंगा, मेरे लिए चॉकलेट केक रखना, आई लव दैट। और बेटा आप सब पांचों का ना बेटा मिला के 500-600 रुपये हो गए, प्लीज अपनी मम्मा के नंबर से मुझे पेटीएम कर देना। याद रहे मम्मा के नंबर से करना है ठीक है। अरे राजेश जी आप तो हद ही कर रहे हो, पेरेंट्स इतने कौन मांगता है। राजेश जी हमारी किस्मत ना काश इतनी अच्छी हो जाए कि हम ना मतलब आपको कहीं भिजवा दे बस। अब बेटा किस्मत से याद आया, किस्मत मेरी 2014 में अच्छी थी जब मेरी पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन जीडी बैंक में करवाया था। और राजेश जी सान्या अभी तक तो मैं राजेश रोड़ा बन के बात कर रहा था, जो एक कैरेक्टर था, एंड आई एम रियली सॉरी अगर किसी को मेरे डायलॉग से बुरा लगा हो, बस वो थोड़ा नेगेटिव माहौल बन गया है वर्ल्ड में, उसको मैं ठीक करने आया था। सो माई स्कूल हैज फुलफिल्ड ऑल माई विशेस टिल लेट, आई डिस्कवर्ड द आर्टिस्ट विद इन मी विद द हेल्प ऑफ माई टीचर्स। सच बताऊं तो मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी अपना घर छोड़ के कभी स्कूल गया हूँ, हमेशा ऐसा लगा कि एक घर से दूसरे घर गया हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस आप मेरे में देख रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई टीचर्स, माई प्रिंसिपल मैम श्वेता मैम विनीत सर, एंड थैंक यू सो मच। एंड टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल मैम, शी वॉज ऑलवेज विद मी एंड ऑलवेज विद योर किड्स एंड स्टूडेंट्स, शी इज लाइक अ मदरली फिगर टू अस। हर मोटिवेशन एंड टॉक्स विद अस ऑलवेज मोटिवेट अस टू फ्लाई हाई इन द स्काई। थैंक यू सो मच गोयनका फैमिली, थैंक यू सो मच। विशेष भैया फॉर कमिंग एंड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। यू हैव ऑलवेज बीन अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल द आर्टिस्ट। यू हैव ऑलवेज प्रूव्ड योरसेल्फ एज अ ग्रेट लीडर। ब्रॉडकास्टिंग दिस शो विद यू वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज वेल। योर मल्टीटास्किंग एंड नॉन डोमिनेंट स्किल्स हैव प्रोवाइडेड अस विद द कॉन्फिडेंस टू गिव आवर बेस्ट। यू आर वन ऑफ दोज सीनियर्स who have always been so cooperative and positive with his teammates. हम तो पहले से ही आपके फैन हैं और आज तुम्हारी जनता भी आपकी फैन हो गई है। I hope you get all success and recognition in your life. हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ हर रोज जुड़े रहिए हमारे गोइंग के ब्रॉडवे में। टुमारो शो हंसी का डेस्टिनेशन लाफ्टर पर। We would also like to specially thank our principal ma'am who gave us this platform to show our hidden talent. और साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी टीम को, जिनके कारण हम आप सभी के दिलों से जुड़ पाए। Stay tuned, stay connected with दिल से दिल तक। अलविदा कहने का तो मन नहीं है, पर आज के लिए इतना ही। और हम जुड़ेंगे आपके दिलों से फिर एक बार। See you all on 11th June, दिल से दिल तक। दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक। दिल से
से दिल तक धड़कनों पे देके दस्तक उठे दिल से जाए दिल से दिल तक धड़कनों पे देके दस्तक उठे दिल से जाए दिल तक दिल से दिल तक धड़कनों पे देके दस्तक उठे दिल से जाए दिल तक दिल से दिल तक धड़कनों पे देके दस्तक उठे दिल से जाए दिल तक दिल से जाए दिल तक दिल से दिल तक धड़कनों पे